देखें, मोई थोड़ी देर में मुझे लेने आने वाले हैं। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो कौन सी क्यामत आ जाएगी कि वो तुम्हें मेरे साथ देख लेगा? आप क्या चाहते हैं कि मेरे और मोहित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो, वो भी आपकी वजह से? अच्छा, कितना नाजुक रिश्ता है तुम्हारा। तुम्हारे हस्बैंड को तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है। जिस इंसान की वजह से तुमने अपने किरदार पर तोहमत लगवाई, तुम्हारी जिंदगी में इतने तूफान है, तुम्हारे रिश्ते टूट गए, ताल्लुक टूट गए, उस इंसान को तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है। खुदा के लिए आप यहां से चले जाएं, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे झूठ बोल के मुझे ये जताओगी कि तुम खुश हो तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा ये उदास चेहरा, तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही है कि तुम तकलीफ में हो, मुश्किल से गुजर रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है सरमद, आप बिला वजह चीजों को अज्यूम कर रहे हैं। मैं अज्यूम नहीं कर, अगर तुम्हारा मोहित के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा होता ना और बहुत हेल्दी होता तो मोहित कभी भी अबीरा की तरफ अट्रैक्ट ना होता, उसके साथ यूं हमदर्दी ना जताता। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं कि मोहित और आप ही? शहर बहुत बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि यहाँ पे बातें छुपी। रात चलते चलते लोग मिल जाते हैं और बहुत से भेद खुल जाते हैं। प्लीज सरमद, आप चले जाएं यहाँ से, मैं नहीं चाहती मोहित मुझे आपके साथ देखें। रीना तुम क्यों सफर कर रही हो? उस इंसान को क्यों नहीं छोड़ देती जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं? ट्रस्ट मी, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस एक लफ्ज और नहीं, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं बाबा और फूफो को आपकी कंप्लेन कर दूं, समझे आप? चले जाओ यहां से। आए दिल